सो फाइनली गाइज, अभी फिलहाल थोड़ा मायूसी के साथ बोलना पड़ रहा है कि हम फाइनली घर जा रहे हैं। फिलहाल निकलते हैं, सब लोग तो चले भी गए क्योंकि मेरे को और ज़्यादा घूमना है, लेकिन ये सब बोला कि ज़्यादा ही टाइम हो गया, चल जल्दी से, इसलिए अब क्या ही बोले, जाना तो पड़ेगा क्योंकि अकेले तो इधर रह नहीं सकते। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, हो सके तो इससे भी अच्छे जगह पर जाएंगे या फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग और आएगा। बस सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, नहीं लाइक तो ये हो गया, तो सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। बाकी तो देखो सब लोग बोल रहे चलने को धूप इस साइड से भाई, लेकिन आकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। फिलहाल तो चलो, तो गाइज रिकॉर्ड कर लूँ कनी मनी, तो देखो राम राम इतना पतला है और इसके ऊपर से चलना पड़ रहा है। सो चलो आराम से पहुंच गए फाइनली। चलो और आगे चलते हैं, उसी साइड से फिर से लौटना पड़ रहा है भाई, जाने का बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन ऐसा बोल रहा है कि 3 बज गया 4 बज गया इतना टाइम हो रहा है, लेकिन फिलहाल अभी 3:30 ही बजा है, फिर भी बोल रहा है चलने को, क्या ही कर सकते। चलो चलते भाई। देखो यार लोग, आप लोग देखो कितना खतरनाक जगह है यहाँ पर। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले ऊपर का टिकट लेना पड़ेगा, फिर नीचे का टिकट, तब यहाँ जा सकते हो। पर हम लोग यहाँ पर नहीं जाने वाले, हम लोग उधर से जाने पड़ेंगे शॉर्टकट रास्ता, क्योंकि इतना रिस्क नहीं लेने का, अब उनका रिस्क नहीं लेने का। देखो ये लोंडे लोग क्या कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, अभी टाइम घंटा नहीं है, ये लोग फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त है। चलो मेरा दोस्त चढ़ने शुरू हो गया है, तो हम भी चढ़ते हैं। Meanwhile, सो भाई साहब वो सब दोस्ती के नाम पे कलंक है, सब हम लोग हम दोनों को छोड़ के भाग गए भाई साहब। चलो अब गाइस हमने भी हाथ करके धो लिया, चलते भाई साहब फाइनली घर की तरफ। चलो भाई साहब अब चलते हैं। भाई साहब इधर देखो इतना नीचे खाई है, इधर पानी वगैरह से जमा हुआ है, उधर देखो रास्ता वगैरह सब बना था लेकिन भूकंप आया था सब कुछ टूट गया था। इधर पहले झरना का एक रास्ता जैसा था लेकिन सब भूकंप में टूट टाट गया है, अभी फिलहाल इस ऊपर वाले रास्ते से चलना पड़ेगा। चलते हैं भैया, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जाना पड़ेगा ना मेरी जान। हम भी चलते भैया जी, जूता फिसलेगा, आराम से चलते करते ही। देखो भाई साहब फिसल के जाना पड़ेगा। भाई साहब अगर मैं इसके ऊपर गिरा तो समझो गया। फिलहाल आराम से जाना पड़ेगा, आराम से, देखो कैसे आराम से जा रहे हैं। चलो चलते हैं। मैं फिसल रहा हूँ भाई साहब, मैं एकदम से फिसल रहा हूँ, रिकॉर्ड करना रहे भाई साहब। क्या जगह है, देखो पूरा फिसलने वाला, ऐसे फिसला कर चल रहे। हाय मजा आया भाई साहब। एक बात बताऊं, मछली वाले का चाल ऐसे रहेगा, इधर भी अगर मछली मार रहा है। देखो एक मछली पकड़ा, कितना मस्त प्यारा सा। तो लुक इट गाइस, पीछे का नजारा देखो जरा सा, क्या लग रहा है भाई, क्या मस्त लग रहा है ना भाई। इतना धूप है और अभी जा रहे घर, इतना धूप में पता नहीं इन सबको क्या डर लग रहा है कि 3 बज गया 4 बज गया भाई, घंटा 6-7 बजे भी रात होता है फिलहाल जैसा मौसम चल रहा है, लेकिन फिर भी बोल रहा है चलने को। चलते हैं फिर, घूमना फिरना हो गया, अभी सब लोग घूम रहे, घूम खत्म हो गया। भाई साहब फोटो नहीं लूंगा मैं अभी, चल रहा ठीक है, ला फोन दे। चलो इस लोंडे को एक फोटो खींच देते हैं। अभी फिलहाल भाई जी मंदिर में भी नहीं गए थे तो चलते हैं मंदिर में, चलते भाई अभी फिलहाल मंदिर में आ चुके मंदिर में। देखो मेरे फ्रेंड वगैरह आगाड़ी से दर्शन कर रहे हैं, चलो अभी हम भी घुसते हैं, चप्पल वगैरह निकाल लेते हैं यहाँ पर। भाई साहब मेरा जूता से कम नहीं है चप्पल, भाई साहब इसका पैर सूज गया है। चलो अंदर चलते अभी। तो अभी फाइनली मंदिर वगैरह हो गया, टीका वगैरह लगा लिया, देखो अभी निकलते हैं क्योंकि लोंडे लोग के बहुत टेंशन हो रहा है क्योंकि साइकिल से आए ने। सो गाइस अभी मंदिर में आ चुके, फिलहाल फोटो खींच रहे, खतरनाक फोटो आ रहा है। चलो भाई साहब
5% भाई 5% चार्ज रह गया फोन का। फिलहाल अभी मंदिर वगैरह सब भी हो गया है तो चलो चलते हैं। सो भैया जी इधर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, देखो मैं तो हैंडसम बैठे उठे, मेरे से ज्यादा हैंडसम कौन है भाई, अगर दाढ़ी कटा ले तो अभी आ जाएगा 3-4 लोग। इसका गर्लफ्रेंड है वो मेरे से पट जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता भाई, मैं होने नहीं दूंगा। सही पकड़े। फिलहाल तो भाई देखो मंदिर ये रहा हाँ तो मंदिर ये रहा। फिलहाल हम मंदिर के आगे ही बैठे हुए थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लिटरली थक गए थे। देखो हम किधर है, पैर इधर रख के आराम से थोड़ा सा बैठे पड़े, उसके बाद थोड़ा सा चलते हैं फिर। सो गाइस फाइनली सब लोग साइकिल के पास आ चुके हैं देखो, और चलो चलते घर की तरफ। फाइनली इतना फिर से धूप में भाई, थोड़ा ठंड होता तो मज़ा आता, लेकिन फिर बोल रहे चलने को तो चलो चलते। वो तो चला भी गया भाई साहब तिलक वाला, चलो सब चल रहे जा रहे चलते। एक बंदे तो आगे निकल गया भैया जी, पीछे रहा चमिनिया माई था, फिर से साइकिल का चैन उतर चुका है और चल रहे पीछे था चमिनिया माई थान। अभी फिलहाल घर चलते अपने, धूप देखो इतना ज्यादा है फिर भी सब लोग बोल रहे कि चलो चलो चलो, ज्यादा हो गया है, 3:30 बज गया, 4 बज गए, क्या ही कर सकते भाई साहब, इन सबको जाना है क्या, चलो फिर भी चलते हैं। अच्छे अच्छे और जगह पर आएंगे और ज़्यादा देर तक रुकेंगे। 24 घंटा पहले हम सोच रहे थे भैया इधर 3-4 घंटा भी नहीं रहे, क्या ही बोले। फिलहाल चलो आइए, हो गया पास, अभी एनर्जी थोड़ा सा गया, आगे पानी लेकर भाग गया तो पानी पीकर उसके बाद आराम से बस चलेंगे, चलो चलते हैं। 15 minutes later भाई रास्ते पर है, अभी सीना दर्द करने लगा इतना ज़्यादा भाई, पानी नहीं है क्या बोलूँ, सारा पानी लेकर भाग गया चूतिया। सब लोग आगे चले गए अकेले, वो इधर पीछे पहाड़ सब देख सकते हो, फोन भी 5% चार्ज रह गया है, क्या बोलूँ ख़त्म हो जाएगा चार्ज, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊँगा। फिलहाल एक फ्रेंड मेरे लिए उधर रुके बस, नहीं तो सब हरा में चले गए, इतना दोगला सब भाई, सीना बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा है। अजय क्या किया हुआ तुझे, ठीक है ना, भाई साहब आने से पहले उठ गया, कोई ना शेर है, शेर का बच्चा है, दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं होगा हमारे लोंडे को, ठीक है ना भाई, दर्द कर रहा है क्या, इतना ज्यादा प्यास लगा ना क्या बोलूं, सीना एकदम से दर्द कर रहा है इधर। ओ भाई साहब ठीक है ना, तो तुमसे थोड़ा सा बेहोश जैसा फील हो रहा था, वहां से खराब में से पानी लेकर भाग गया क्या बोलूं भाई साहब, क्या करते हो आप, सारे लोंडे आगे भाग गए, चूतिए वे पानी लेकर भाग गया आराम से, प्यास लगा इधर भी प्यास लगा एकदम से, सीना में पता है इतना दर्द हो रहा था ना, मैं उधर गिर गया, चलो अभी इसे लेके मेरे को ही जाना पड़ेगा इसे लेके, क्योंकि इसका हालत बहुत खराब हुआ है, चलो अभी मेरा साइकिल वहां पर है। 20 minutes later फाइनली भैया जी हाईवे पर आ चुके हैं और सब हरामी लोग साथ में, धूप देखो जरा सा, और हाईवे के साथ अभी चल रहे, मजा आएगा। और फिलहाल मेरा जो फोन है बस 2% चार्ज है, तो देखते आगे मैं किस चीज़ से रिकॉर्ड कर पाऊंगा या फिर नहीं भी करूंगा, देखते फिलहाल चलो बाजार चलते। सो गाइस अभी फिलहाल हम आ चुके हैं इधर हाईवे के साइड में पानी पूरी खाने के लिए, तो पानी फाइनली इस साइड से चलेंगे। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने पानी पूरी खा लिया मस्त एकदम, और अभी जो है चना बनवा रहे हैं, हाँ तो चना खाकर इतना मस्त था पानी पूरी, ना क्या ही बोलूँ यार, तो फिलहाल अभी चना बनवा कर चना खा कर उसके बाद निकलते हैं इस रास्ते से डायरेक्ट तारापट्टी, तारापट्टी से पीछे है हमारा गांव मुटलेसर, चलेंगे। सो फाइनल भाई साहब चना हम लोग खा रहे हैं, खा क्या भाई, ख़त्म भी हो गया एकदम ख़त्म, इतना मस्त था पूरा ख़त्म हो गया। तो गाइस फाइनली खाना पीना हो गया, खाना पीना नहीं मतलब चना और पानी पूरी खा लिए, अभी फाइनली उसी से जिंदा रह सकते हैं हम लोग, तो अभी इस रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ से सिरसिया पहुँचेंगे तो वहाँ से अपने घर बस, चले बस, जाएंगे बस पानी थोड़ा सा और पीना था भाई साहब, एक ही बोतल रह गया एक कार्टून में से, तो फाइनली अब 2 किलोमीटर रह गया और मैं आगे आ गया हूँ और हमारे फ्रेंड और पीछे, अभी एक चीज दिखा तो आप लोगों को, देखो कितना अच्छा सनसेट है, अब यहाँ से जाएंगे 2 किलोमीटर बाद अपने घर, चलो भाई साहब घर जाके कुछ अच्छा सा खाना खाते, क्योंकि अभी हम लोग ना एक चाव चाव खा के एक बिस्कुट खा के जिंदा है, एडजस्ट किया भाई साहब, पानी का बोतल एक कार्टून लिया था उससे काम तो चल गया,
अभी जिंदा हूँ, पता नहीं अब कब खिलने वाला हूँ। तो अभी सारे फ्रेंड आ चुके, ये भी आ चुका है। अब जेके कहाँ गया? अभी जेके कहते रह गया, देखा है जेके का? भाई साहब कहाँ रह गया, खो गया क्या जेके? चलो अभी उसे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ चल गया लौंडा। चूटियों में इधर हूँ। फाइनली भाई साहब जेके मिल गया। भाई साहब इतना जोर जोर से आवाज दे रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा था। मतलब मैं खो गया था? हाँ तो खो गया था। सब अलग रास्ते जा रहे, लॉन्ग कट ले रहे, मैंने शॉर्ट कट लिया। मैं सोच रहा था उस साइड से चला जाऊंगा, ऐसे बोला कि इस साइड से चलो। वाह, तो फाइनली जेके मिल चुका है। अभी सारे लोग मिल चुके हैं, तो जा रहे हैं अभी घर की तरफ। यहाँ से भी 1 किलोमीटर लगेगा जाने में। तो चलो भाई साहब चलते हैं। अभी सूरज दादा भी, शाम हो चुका है, सूरज भी अस्त आ चुका है। तो अभी निकलते हैं घर की तरफ। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया भाई साहब, सोचा ना था इतना लेट होगा, बस क्या ही कर सकते हैं अभी फिलहाल। चलो निकलते हैं अभी। तो फाइनली गाइज, अभी जो है बस दो ही गांव दूर है अभी और ही में, एंड उसके बाद सिरसिया पहुँच कर, और फाइनली उसके बाद हम अपने गाँव पहुँच जाएंगे। देखो सबका एनर्जी लूज अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि सब ने खाया पिया मस्त भाई से, दबा कर पानी वगैरह सब पिया है, और मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो गया था। उधर थोड़ा सा पानी मिला था ना दमकल में ही, कत्ते मैंने फ्रेश हो गया एकदम, बाल बाल चमका दिया है, और अभी फाइनली चलते हैं घर। बस दो ही गांव दूर हैं। तो भाई साहब आप फाइनली पहुंच जाएंगे, सुबह से एक दाना भी पेट में नहीं गया है भात का। तो अब जाएंगे तो फुल पार्टी होगा। अपने गर्लफ्रेंड के घर उधर थोड़ा बहुत भात मुर्गा मछली और कुछ होगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? देखो गांडू लोग यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। हम लोग थक के आए हैं। अरे चूतिया लोग, छाट के बराबर। सूरज केना है, कतो जाए के प्लान है? अमेरिका। अमेरिका जाओगे? कनाडा में? तू तो कल वहाँ से कनाडा में रहे। रशियन? वाह नाइस चॉइस। चलो अभी घर पहुँचने वाले, अभी पहुँच जाएंगे। सो भाई साहब देखो इस चूतिए को स्टंट। वाह बेटे वाह, मौज कर दी तूने, बहुत हैप्पी ड्राइवर भैया। भाई सब सपोर्ट लेके जा रहा है वे। हाँ हाँ ले ले ले। भाई साहब देखो स्टंटमैन को। Hey guys! भाई साहब देख रहे, तीन ही सपोर्ट करके आ रहा है एक बंदे को। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं सिरसिया के जंगल में। देखो जरा सा क्या ही जंगल है, जो कि भाई साहब इसमें जंगल में कुछ दिख नहीं रहा होगा। अब सिरसिया का गांव है, अति में नहीं है, सॉरी जरा सा अल्ट्रा वाइड में नहीं था। तो फिलहाल हम लोग सिरसिया के गांव से आगे थोड़ा सा आ चुके हैं इस जंगल के साइड से, और फाइनली आ गए ही हमारा गाँव है मिथिलेश्वर मौर्य। मिथिलेश्वर मऊ आए, मतलब कि कुल मिलाकर मिथिलेश्वर। फिलहाल भैया जी चलो ना। और हाँ गाइस, एक और ऑफर मैंने रखा है, अगर आप लोग लाइक करोगे तो हम मुर्गा भात आप लोगों को खिलाएंगे। तो लाइक जल्दी से कर देना। और हम लोग फाइनली देखो सामने, हम अपने बाजार पर पहुंच चुके अपने गांव में प्लेस। हा हा हा। सो गाइस फाइनली देखो सामने आ चुका है हमारा गांव मतलब से। तो इधर कुछ नहीं करेंगे, घर चलेंगे भैया। सो फाइनली गाइस ये रहा हमारा मेन रोड, इधर आ गांव, तो चलते। फाइनली भाई साहब आ चुके हैं अपने घर, चलते हैं। और घर जाकर ना सबसे पहले भैया नहा लेते हैं, उसके बाद चलो मिलते हैं। सो फाइनली गाइस अभी जो है नहा वहा कर रेडी हो गया था, फिर मैंने खाना भी खा लिया, मस्त मछली खाया, जितना भी भूख वगैरह सब लगा था भाई, भूख मिट चुका है फाइनली। और अभी जो है घर तो आ चुके थे, तो फाइनली यार चलो फिलहाल इस वाले ब्लॉग में अभी बस इतना रखते हैं। अब कुछ दिन बाद मेला भी आने वाला है, तो नेक्स्ट ब्लॉग शायद से मेला का ही आएगा, तो आप लोग भी उसका वेट करना। बाकी तो इस वाले वीडियो को सिंपल सा लाइक कर देना, जब चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लेना, एंड बाकी फाइनली तुम्हारा भाई मिलता है किसको इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। जब तक ला भैया पीस।